हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं हमारे इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर बैंकिंग एंड फाइनेंस के साथ। बैंकिंग एंड फाइनेंस भले आज के ज़माने में एक दूसरे के पूरक, एक दूसरे के सप्लीमेंट्री हो गए हैं, मोर सो जब से फाइनेंशियल इंक्लूजन या वित्तीय समावेशन शुरू हुआ है, तब से फाइनेंस और बैंकिंग एक दूसरे के बिना अधूरे लगते हैं। बैंकिंग का रोल फाइनेंस के सेक्टर में काफ़ी बढ़ गया है। तो टू स्टार्ट विथ, हम पहले शुरू करेंगे बैंकिंग पार्ट से। उसमें हम सबसे पहले द स्ट्रक्चर ऑफ बैंकिंग इन इंडिया, उस टॉपिक को कवर अप करेंगे। उसमें जैसा मैंने बताया था, छोटे छोटे जो भी टॉपिक्स अक्रॉस आएंगे हम उसको कवर करते चलेंगे और अकॉर्डिंगली हम उसको आगे डील भी करते चलेंगे। सो आवर फर्स्ट टॉपिक जो हम आज कवर करेंगे वो है स्ट्रक्चर ऑफ बैंकिंग इन इंडिया। स्ट्रक्चर ऑफ बैंकिंग इन इंडिया, ये हमारा आज का टॉपिक होगा। ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। सो इन दिस केस यहाँ पे एक फ्लो चार्ट हम ड्रॉ करेंगे। इसका फायदा ये होगा कि जब आप फ्लो चार्ट में ड्रॉ करते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग पहले क्लियर हो जाती है एंड सेकेंडली वो याद रखना भी आसान होता है। ऑल्सो अगर क्वेश्चन ऐसा कोई आ जाए जहाँ पे कुछ पार्ट आपको आ रहा हो कुछ पार्ट ना आ रहा हो, वहाँ पे आप इस फ्लो चार्ट से टॉपिक्स पिकअप करके भी वहाँ पे इंसर्ट करके लिख सकते हैं। तो काफ़ी फायदे हैं उसके। मैं ये इरेज करूँगी क्योंकि उस फ्लो चार्ट को जगह लगेगी बहुत। सो जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, सो यहाँ पे हम लोग फ्लो चार्ट स्टार्ट करते हैं। ऑफ कोर्स जैसा हम सभी जानते हैं कि इंडिया में जो एपिक्स बैंकिंग बॉडी है वो है आरबीआई, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वो एक कंट्रोलिंग और रेगुलेटिंग अथॉरिटी है बाकी सारे बैंक्स के लिए। वो भले ही प्राइवेट बैंक्स हो या गवर्नमेंट नेशनलाइज बैंक्स हो, उनको आरबीआई के तहत रूल्स फॉलो करनी ही पड़ती हैं। सो ऑफ कोर्स ये जो इंडियन बैंकिंग स्ट्रक्चर का फ्लो चार्ट है वो आरबीआई से ही शुरू होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले है हमारा आरबीआई, विच इज एन एपिक्स बैंक। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पे जब हम हैं तो विल जस्ट क्विकली गो थ्रू सर्टेन थिंग्स। पहली चीज, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गठन कैसे हुआ और उसकी इनिशियल हिस्ट्री। जैसा कि मैं आप पिछले क्लास में डिस्कस कर रही थी कि जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुई तब हमारी जो बैंकिंग स्ट्रक्चर है वो तो एग्जिस्टेंस में ही नहीं थी। हमारी जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर थी या जो नेचर था हमारे फाइनेंशियल कंडीशन का, वो बहुत ही बुरी हालत में था। इनफैक्ट हम जीरो पे भी नहीं, नेगेटिव पे थे। जैसा कि मैंने उस दिन बताया था, आपको याद होगा, तीन पर्टिकुलर फीचर्स थी हमारे इंडियन इकोनॉमी की। वन, ये अनस्ट्रक्चर्ड थी, इसका कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं था। ये अनऑर्गेनाइज्ड थी, यानी बेतरतीब थी, या इसमें कोई सिस्टम नहीं था, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, कोई कैटेगराइजेशन नहीं था। एंड थर्डली, इट वाज अनस्टेबल। ऑफ कोर्स क्योंकि किसी भी देश की इकोनॉमी वहाँ की पॉलिटिकल कंडीशन से बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है। इनफैक्ट अगर आप नोटिस करेंगे तो देश ही नहीं, स्टेट्स की भी जो इकोनॉमी है वो उसकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से काफ़ी इफेक्ट होती है। तो क्योंकि इंडिया में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं थी उस टाइम पर, इसीलिए हमारी इकोनॉमी भी अनस्टेबल थी। तो इन तीनों कंडीशंस को चेक करने के लिए इनिशियली बैंकिंग की शुरुआत हुई। आरबीआई के एस्पेक्ट में अगर हम देखें तो हिल्टन यंग कमीशन, ये आपके पीटी के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनफैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आप याद रख सकते हैं। हिल्टन यंग
कमीशन के रिकमेंडेशन पर 1934 में द आरबीआई एक्ट 1934 फ्रेम की गई। तो हिल्टन यंग कमीशन के रिकमेंडेशन पर 1934 में आरबीआई एक्ट 1934 को फ्रेम किया गया, जिसके तहत 1 अप्रैल 1935 को द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर्म की गई। सो ऑफ कोर्स ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इनिशियली इसको इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया भी कहते थे। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया ये 1 अप्रैल 1935 को जब बनी तो ये द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया थी। ये कपल ऑफ पॉइंट्स है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। जब ये 1935 में बनी उस वक्त भी ये ऑफ कोर्स ब्रिटिश रूल के अंडर में थी। बाद में इंडिया के इंडिपेंडेंट होने के बाद जब धीरे धीरे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आने लगी, प्लानिंग शुरू हुई कि किस तरह से चीज़ों को सुधारा जा सके, उसके तहत 1949 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को नेशनलाइज किया कर दिया गया। So the nationalization of the Reserve Bank of India happened in 1949. So इसमें से आपके काफ़ी पीटी के पॉइंट्स निकल कर आते हैं। वन, हिल्टन यंग कमीशन के रिकमेंडेशन के हिसाब से 1934 में आरबीआई एक्ट 1934 का गठन हुआ या फ्रेमिंग हुई। उस वक्त वो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती थी। 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश हुई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम पर, और उसके बाद 1949 में उसे नेशनलाइज कर दिया गया। सो ये कुछ पॉइंट्स थी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। दीज आर योर बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ द आरबीआई। ऑफ कोर्स ये आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर करती है कि क्यों हमें एक अदने से बैंक की जरूरत थी, बिकॉज वी डिड नॉट हैव अ बैंक एट ऑल। हमारी इंडिया के नाम पर हमारे पास बैंक था ही नहीं, सो दैट्स व्हाई इट वाज इम्पॉर्टेंट। अब हम देखते हैं कैटेगराइजेशन। सो मूविंग ऑन, आरबीआई हमारी एपेक्स बैंक है। सो वी आर बैक टू द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन बैंकिंग। इसके अंडर में अगर हम देखें तो ब्रॉडली तीन तरह के बैंक्स हैं। प्लीज एक्सक्यूज माई लाइन ड्रॉइंग बिल्कुल सीधी नहीं है। एक होती हैं शेड्यूल्ड बैंक्स, एक होती हैं नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स, एक होती हैं डेवलपमेंट बैंक्स या फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। यहाँ से हम लोग फ्लो चार्ट को फटाफट ड्रॉ करेंगे और उसके बाद मैं उसके कंपोनेंट्स को आपको बताती जाऊंगी। फाइन, शेड्यूल्ड बैंक्स के अंडर में दो तरह की बैंक्स आती हैं, अगेन कमर्शियल एंड कोऑपरेटिव। कमर्शियल बैंक्स कोऑपरेटिव बैंक्स। नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स की कोई कैटेगराइजेशन नहीं है, ये ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट है इंडियन मार्केट में। अगर हम डेवलपमेंट बैंक्स या फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो इनको ब्रॉडली चार तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल बैंक्स, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक्स, एग्रीकल्चरल बैंक्स एंड लैंड डेवलपमेंट बैंक्स, सॉरी हाउसिंग बैंक्स। सो
सो आई होप दिस इज क्लियर. शेड्यूल्ड बैंक्स के अंडर में कमर्शियल एंड कोऑपरेटिव बैंक्स, नॉन शेड्यूल्ड के अंडर में कुछ नहीं है. डेवलपमेंट बैंक्स में इंडस्ट्रियल, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक्स, एग्रीकल्चरल बैंक्स एंड हाउसिंग बैंक्स. अगेन कमर्शियल बैंक्स में इंडियन कमर्शियल बैंक्स, फॉरेन कमर्शियल बैंक्स. इसको आगे बढ़ाते हैं. इंडियन कमर्शियल बैंक्स में पब्लिक सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स. पब्लिक सेक्टर बैंक्स की वापस अगर हम कैटेगराइजेशन करें, SBI, ये इनिशियली SBI एंड इट्स एसोसिएट बैंक्स हुआ करती थी. अब जैसा आप जानते हैं कि SBI के अंदर ही सारी इसकी जो सिस्टर बैंक्स हुआ करती थी, एसोसिएट बैंक्स हुआ करती थी, वो सब इसमें मर्ज हो चुकी हैं. लाइक स्टेट बैंक ऑफ ट्रिवेंकोर, स्टेट बैंक ऑफ माइसोर, ये सब अब SBI के नाम से जानी जाती हैं. द अदर नेशनलाइज्ड बैंक्स, SBI को छोड़कर, जो लोग IBPS एग्जाम देते हैं वो समझते होंगे इस बात को. नेशनलाइज्ड बैंक्स और SBI का अलग अलग एग्जाम होता है, वो मैं एक्सप्लेन करूंगी कि कैसे SBI अलग है नेशनलाइज्ड बैंक से. अगेन रीजनल रूरल बैंक्स और RRBs, ये रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड वाले RRB से अलग है. दीज आर रीजनल रूरल बैंक्स. सो ये हमारी इस साइड की हुई. हम कोऑपरेटिव बैंक्स का कैटेगराइजेशन देख लेते हैं. कोऑपरेटिव बैंक्स में प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, लैंड डेवलपमेंट बैंक्स एंड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स. ओके, सो विल जस्ट गो अहेड विथ इट. RBI के अंडर में हमारे पास शेड्यूल्ड बैंक्स हैं, नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स हैं, डेवलपमेंट बैंक्स और फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं. शेड्यूल्ड बैंक्स वो हैं जो शेड्यूल ऑफ बैंक्स में लिस्टेड हैं. ये बेसिकली एक, अगर हम बहुत कॉमन सेंस में समझें तो ये एक सिंपल लिस्ट है, अ शेड्यूल. दिस इज जस्ट अ लिस्ट जो RBI के शेड्यूल में लिस्टेड हैं, वो बैंक्स ये हैं. इसके लिए अगर आप समझे बहुत कॉमन टर्म्स में, अगर हम लेमैन्स लैंग्वेज में बात करें, तो शेड्यूल करने के लिए उनको सिंपली RBI से परमिशन लेनी होती है. RBI के भी बैंक्स को अनुमोदन के लिए, अगर हम कहें परमिशन के लिए या अप्रूवल के लिए, अलग अलग तरीके होते हैं. और उसमें जिस कैटेगरी में जिस तरह से बैंक्स पड़ती हैं, उस हिसाब से वो शेड्यूल करते हैं. तो अगर RBI की लिस्ट में या शेड्यूल्ड लिस्ट में वो बैंक है, तो वो शेड्यूल्ड बैंक है. वो अगेन बेसिकली एनी बैंक इज अ हैज टू बी अ शेड्यूल्ड बैंक और लिस्टेड बैंक विथ RBI. नॉन शेड्यूल्ड बैंक, जैसे मैंने कहा, ये कोई बैंक है ही नहीं इंडिया में. बिकॉज अनलेस यू आर शेड्यूल्ड और लिस्टेड बाई RBI, यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू बी ऑपरेटिंग इन इंडिया. सो बेसिकली नॉन शेड्यूल्ड बैंक ऑलमोस्ट नहीं है. अगर कुछ होंगे भी तो अनऑफिशियली दे आर ऑपरेटिंग, येस, बट दे मे बी इलीगल. वो टोटली जो पब्लिक गवर्नमेंट, जो पब्लिक डील कर रही है उनके लिए है. वो बैंक और उनके बीच की अंडरस्टैंडिंग है, सो कॉल्ड बैंक मैं कहूँगी. उसमें अगर कभी कोई गड़बड़ होती है या पैसों की एम्बेजलिंग होती है, गबन होता है, तो गवर्नमेंट का कोई उसमें रोल या सिक्योरिटी नहीं रहेगा. सो दैट्स एन इनफॉर्मल और अनऑर्गेनाइज्ड और इलीगल फॉर्म ऑफ बैंकिंग. डेवलपमेंट बैंक्स या फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, अगेन
फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर डिफरेंट फ्रॉम रेगुलर बैंक्स बिकॉज ये डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेंडिंग भी करते हैं, बट इनकी लेंडिंग होती है वो बहुत लिमिटेड एरियाज में होती है. अगेन, क्योंकि ये आरबीआई से कंट्रोल्ड हैं अल्टीमेटली, इनकी लेंडिंग की जो स्कोप है वो भी बहुत लिमिटेड होती है. दैट इज एज लिस्टेड बाई आरबीआई. सो हियर फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लेंडिंग इज एज अलाउड बाई आरबीआई. कुछ वेरी क्रूशियल सेक्टर्स होते हैं लाइक डिफेंस, केमिकल फर्टिलाइजर्स, फार्मास्यूटिकल्स. इन एरियाज में यूजुअली अपार्ट फ्रॉम सम एक्सेप्शंस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को लेंड करने का हक नहीं होता है. दैट इज एज पर आरबीआई. ऑफ कोर्स ये टाइम टू टाइम रिवाइज होता है अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेंथ एंड एग्जिस्टेंस ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. वो रिवाइज होता रहता है. मूविंग ऑन, शेड्यूल्ड बैंक्स में आएंगे. शेड्यूल्ड बैंक्स के दो पार्ट्स हैं, कमर्शियल शेड्यूल्ड बैंक्स एंड कोऑपरेटिव शेड्यूल्ड बैंक्स. एज द नेम सजेस्ट, कमर्शियल बैंक्स वो हैं जो फुल स्विंग में मार्केट में ऑपरेट करती हैं. दे एक्सेप्ट डिपॉजिट्स, दे लेंड मनी. बैंकिंग की भी अगर हम बात करें, शायद ये शुरू में ही आपको बता देना चाहिए था, क्योंकि हम इस पार्ट में हैं तो ये समझना ज़रूरी है. दिस इज ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट. बैंकिंग जो वर्ड है वो बैंक से बना है. ये ओरिजिनेट हुआ है दो मेन लैंग्वेजेस से, विच इज इंग्लिश एंड इटालियन. इंग्लिश में, जिसको हम आर्केक इंग्लिश कहते हैं या ओल्ड इंग्लिश कहते हैं, इसमें अ बेंच वॉज कॉल्ड अ बैंक. और इटालियन में एक वर्ड है बैंको, विच अगेन मीन्स अ बेंच. तो जब बैंकिंग की शुरुआत हुई थी, जैसे हम सभी जानते हैं, हमारे जो सबसे ओरिजिनल बैंकर्स हैं वो हमारे मनी लेंडर्स हुआ करते थे. अभी भी अगर आप अनऑर्गेनाइज विलेजेस में जाएंगे तब भी आपके मनी लेंडर्स जो है, जिनको हम साहूकार कहते हैं या महाजन कहते हैं, वही हमारे मोस्ट ओरिजिनल बैंकर्स हैं. तो जब बैंकिंग की शुरुआत हुई थी, इनिशियली बार्टर सिस्टम भी एक तरह से बैंकिंग ही था, जहाँ पे चीज़ों का आदान प्रदान होता था. आप कुछ कोई चीज़ दूसरों को दे रहे हैं, वो बदले में आपको कोई और चीज़ दे रहा है, दैट वॉज बैंकिंग. तो जब इनिशियली एकदम बैंकिंग शुरू हुई थी तब ऐसा कोई ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर नहीं था. आज की तरह आपको चकाचौंध भरे कमर्शियलाइज स्ट्रक्चर्स भी नहीं मिलते थे. वहाँ पे लोग बेंच लगा के बैठा करते थे. जो सो कॉल्ड बैंकर्स होते थे वो इंडिविजुअल होते थे और उस बेंच पे अपनी कागज पत्री सब रख के वो बैंकिंग किया करते थे. तो उस वक्त पे दोज वर इंडिविजुअल बैंकर्स एंड दे यूज टू सिट ऑन बेंचेस टू डील विद देयर कस्टमर्स एंड दे यूज टू कीप दीज डॉक्यूमेंट्स ऑन द बेंचेस. वो ओपन मार्केट में बेंच लगा के बैठते थे और बैंकिंग किया करते थे. उसी से बैंकिंग शब्द की उत्पत्ति हुई है, जहाँ ओल्ड इंग्लिश या आर्केक इंग्लिश में उसका मतलब होता है बेंच और इटालियन के बैंको शब्द से ये बैंक आया है. सो बेसिकली ये बैंक शब्द की उत्पत्ति है. अगेन, जब आप मेंस में ये आंसर लिखेंगे तो शुरू के 4-5 लाइंस में जो आपका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है वहां पे ये चीज आप जरूर मेंशन करेंगे. सो यस, कमिंग बैक टू द स्ट्रक्चर, कमर्शियल बैंकिंग जो फुल स्विंग में मार्केट में बैंकिंग कर रहे हैं. बैंकिंग वर्ड का मतलब है अ बैंक इज एनी इंस्टीट्यूशन विच रोटेट्स मनी wherein it takes deposits from people and lends money to those who need it, either for business or agriculture or education, whatever it is. आजकल तो credit requirement इतनी ज़्यादा हो गई है कि तरह तरह के loans आ गए हैं. We'll discuss that later जब हम loans पढ़ेंगे. So basically, banking या bank का मतलब वही है जहाँ पे एक तरफ से हम deposits ले रहे हैं और दूसरे तरफ से उसी deposit को हम लेंड कर रहे हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट पर. डिपॉजिट्स के लिए एक चीज़ याद रखिए कि डिपॉजिट भले ही बैंक में आ रहा है पर वो बैंक के लिए लायबिलिटी है, क्योंकि वो लायबल है कि कस्टमर जब भी अपने पैसा वापस मांगे बैंक को वो पैसा वापस करना है. जबकि लेंडिंग जब वो कर रहा है, जब वो लोन दे रहा है, तो भले आपको लगे कि बैंक से पैसा बाहर जा रहा है लेकिन वो बैंक के लिए एसेट है.
क्योंकि वो अपने कस्टमर से इंटरेस्ट कमा रहा है, और जब भी अगर कस्टमर प्री क्लोजर कर रहा है लोन का तो वो पैसे उसको पूरे के पूरे वापस मिल रहे हैं, प्लस उस पर वो अपना इंटरेस्ट भी कमा रहा है। सो बेसिकली भले आपको लगे कि एक बैंक में अगर हम देखें तो एक बैंक में सेविंग्स जो हैं, जो इंसान पैसा जमा कर रहा है, डिपॉजिट्स जो हैं वो बैंक में अंदर आती हैं, पर ये एग्जैक्टली उल्टा है, ये बैंक के लिए लायबिलिटी है। ओके लेकिन बैंक जो लेंडिंग करता है, बैंक जो लेंडिंग करता है वो भले बैंक से आउटगोइंग है पर ये बैंक के लिए एक एसेट है। ओके तो ये बैंक के लिए एसेट है क्योंकि उस पर वो इंटरेस्ट कमा रहा है, इनकम आ रही है उसके। ओके सो दैट्स अबाउट इट। कमर्शियल बैंक सिंपली डिपॉजिट्स लेते हैं, लोन्स देते हैं, सिंपल। कमर्शियल बैंक्स इंडिया में दो तरह के हैं, एक इंडियंस जो ऑब्वियसली इंडियन ओन्ड है, इंडियन सेटअप है, इंडियन लोगों ने ही उसे खोला, इंडियन लोग चला रहे हैं, सीईओ सब कुछ इंडियंस हैं। फॉरेन बैंक्स, फॉरेन रन, फॉरेन एस्टैब्लिश्ड बैंक्स कम है लेकिन है। एक बहुत क्लोज एग्जाम्पल था HSBC बैंक, द हांगकॉन्ग शंघाई बैंक कॉरपोरेशन, दैट वॉज वन ऑफ द वेरी फेमस फॉरेन बैंक्स। इंडियन बैंक्स में अगेन दो तरह के, पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स एज यू नो प्राइवेट सेटअप रहता है, 49% और मोर ऑफ द शेयर्स इन दीज बैंक्स आर विद इंडिविजुअल्स या प्राइवेट ग्रुप्स उनको होते हैं। उनका कंट्रोल और जो ओनरशिप राइट्स हैं वो भले ही प्राइवेट एंटिटी के पास है लेकिन कंट्रोलिंग एंड रेगुलेटिंग पावर्स अगेन RBI के पास है। RBI के पर्टिकुलर रेगुलेटिंग फंक्शंस और कंट्रोलिंग फंक्शंस हम अलग से पढ़ेंगे लेकिन अभी के लिए इतना समझ लेते हैं। ये नहीं समझना है कि प्राइवेट सेक्टर की ओनरशिप क्योंकि प्राइवेट इंसान के पास है या प्राइवेट ग्रुप के पास है तो इसकी इस पर कोई कंट्रोल नहीं है, दे कैन डू वॉट एवर दे वॉन्ट, ऐसा नहीं है। पब्लिक सेक्टर बैंक्स में अगेन SBI के बारे में कुछ चीजें। SBI was formed on 1st of July 1955 under the SBI Act. यही है जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को दूसरे नेशनलाइज्ड बैंक से अलग बनाता है। लाइक RBI, द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वॉज फॉर्म्ड अंडर द SBI एक्ट ऑन 1st of July 1955. आप समझते हैं हम लोग कि नेशनलाइज्ड बैंक्स कैसे अलग है। पहले हम ये समझते हैं कि नेशनलाइजेशन का मतलब क्या है। हम सभी जानते हैं कि इंडिया एज ए नेशन हम लोग एक कॉलोनी की तरह थे ब्रिटिश रूल के अंडर में। हमारी सारी ही चीजें, जो भी स्पेशली जो चीजें प्रॉफिट अर्निंग थी वो सब चीजें फॉरेनर्स के हाथों में थी। तो हमारा जो बैंकिंग या फाइनेंशियल पावर्स था वो भी फॉरेनर्स के हाथ में था। इंडिपेंडेंस के बाद या फिर 1935 में जैसा हमने कहा, अगर बैंकिंग जो बनी RBI जब बनी 1935 में, तब लाइक रेलवे, लाइक पोस्ट, बैंकिंग का भी वही हाल था। आप सभी जानते हैं कि रेलवे और पोस्ट बेसिकली भले वो कहा जाता है कि वो ब्रिटिश लोगों की देन है हमारे देश के लिए, पर हमें भी पता है कि वो एग्जैक्टली क्यों सेटअप की गई थी। वो उन्होंने ब्रिटिश लोगों ने अपने सुविधा के लिए सेटअप किया था। रेलवेज इसलिए सेटअप की गई थी कि उनकी चीज़ें जो रॉ मटेरियल्स वो बिल्डिंग के लिए या बिजनेस के लिए एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं वो चीज़ें ईजिली एक जगह से दूसरे जगह वो कम कॉस्ट में ट्रांसफर कर सके। जमीन हमारी थी, रॉ मटेरियल हमारा था, उस पर ट्रैक्स बिछाई गई, हमारे ही लोगों से बेगार खटवाया गया, विच मीन्स दे वर नॉट पेड एनीथिंग फॉर वर्किंग, और दिन रात काम करवा के उन पे वो करा दी गई। जब आप झारखंड हिस्ट्री पढ़ेंगे द ट्राइबल रिवोल्ट्स, उसमें ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसने हमारे ट्राइबल रिवोल्ट को झारखंड में इंस्टिगेट किया था। वो एक इमीडिएट कॉज था जिसकी वजह से ट्राइबल रिवोल्ट्स हुए। तो बहरहाल रेलवेज इसलिए फॉर्म हुई थी,
पोस्ट भी इसलिए फॉर्म हुआ क्योंकि इंफॉर्मेशन वो लोग एक दूसरे से एक जगह से दूसरी जगह इजीली और कम समय में पहुंचाना चाहते थे. टेलीग्राफ, टेलीग्राम, पोस्ट, ये सब ऐसा था. वैसे ही बैंकिंग को, भले ही आरबीआई को बनाया गया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया से हटा के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया, बट स्टिल वो टोटली उनके ही कंट्रोल में थी. इट वॉज वर्किंग फॉर देम. ऑल्सो इंडिपेंडेंस के बाद अनफॉर्चुनेट बात ये रही कि कुछ रिच इंडियंस जो उस वक्त भी रिच थे, वो उस वक्त भी रिच थे, और इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद जब हमारी फिनेंशियल स्ट्रेंथनिंग शुरू हुई, तब भी उन्होंने एंश्योर किया, उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि फिनेंशियल पावर और कंट्रोल उनके ही हाथ में रहे. और इनमें इंडस्ट्रियलिस्ट्स का बहुत बड़ा हाथ था. जो उद्योगपति थे उस वक्त के बड़े बड़े उद्योगपति, उनका बहुत बड़ा हाथ था. उसमें से ना के बराबर उद्योगपति थे जो असल में भारत या भारतीयों के बढ़ोतरी के लिए या बेहतरी के लिए सोच रहे थे. उनका एक ही मकसद था कि जो फिनेंशियल पावर और कंट्रोल है वो उनके हाथ में रहे. हालत ये थी कि उस टाइम पर बैंक का मतलब था एक फैक्ट्री, कोई भी इंडस्ट्री या फैक्ट्री, और उसके प्रमाइसेस में एक कोने में एक बैंक. उस बैंक में इसी फैक्ट्री के एम्प्लॉयज का बैंक अकाउंट हुआ करता था. वो अपनी सैलरीज इस बैंक में ही डालने के लिए बाध्य थे. लोन या एडवांसेस की सिचुएशन में मनमाने सूद के दर पे, मनमाने रेट ऑफ इंटरेस्ट पर इसी बैंक से लोन या एडवांस लेना उनकी मजबूरी थी. और ये इस बैंक का ओनर इस इंडस्ट्री या फैक्ट्री का भी ओनर हुआ करता था. तो आप समझ सकते हैं कि ये एक नेटवर्क या एक नेक्सस की तरह था. ये ऐसा एक माहौल था जहां पे मालिक ने अपने ही कैंपस के अंदर एक दुकान खोल दी है, और जो भी लोग यहाँ काम कर रहे हैं उसके अंडर में, अगर उसे अपनी सैलरी बचानी है, अपनी नौकरी बचानी है, तो मजबूरी है कि वो इस बैंक में ही बिजनेस करे. उसकी सैलरी इसी बैंक में जाएगी, वो लोन भी यहीं से लेगा, इंटरेस्ट भी यहीं पे करेगा. तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितनी ज्यादा मोनोपोली हुआ करती थी. सो एक जो चीज थी वो है मोनोपोली. ओके, इसका मतलब ये भी था कि पैसा कुछ ही लोगों के हाथों में था. भले हमारा देश आजाद हो गया, पर जो जो स्लेवरी थी, जो दासता थी, वो सिर्फ एक हाथ से ट्रांसफर होकर दूसरे हाथों में आ गई. और ये विडंबना रही कि ये जो मोनोपोलिस्टिक एटीट्यूड वाले लोग थे वो बेसिकली इंडियंस ही थे. तो इस मोनोपोली की वजह से साथ ही साथ क्या आया, सेंट्रलाइज्ड फिनेंशियल पावर. हम भले ही एक इंडिपेंडेंट देश माने गए, डिवेलपिंग, अंडर डिवेलप्ड, नॉट डिवेलप्ड, पिछड़ा, व्हाटएवर, वो सब छोड़िए, हमारी अपने पैसों का पावर, हमारे अपने देश के हित के लिए यूज करना हमारे खुद के ही हाथ में नहीं था, अनलेस एंड अंटिल ये लोग चाहें कि ये यूज हो. सो फाइनेंशियल पावर वॉज सेंट्रलाइज्ड इन पर्टिकुलर हैंड्स. ये रियलाइज होने के बाद दीज वर टू मेजर फैक्टर्स जिसकी वजह से नेशनलाइजेशन की जरूरत फील हुई. और इन सब का जो कोर एक क्रेडिट है वो हमारी आयरन लेडी या हमारी जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी, उनको ये एक मेजर चंक ऑफ क्रेडिट दिया जाता है. नेशनलाइजेशन इंडिया में मेनली तीन बैचेस में हुई. तीन स्टेजेस में हमारे यहाँ नेशनलाइजेशन हुई, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स अगर हम कहें. ये तीन स्टेजेस में हुई, 1, 2 एंड 3. सबसे पहला जो मैंने आपको बताया था, आरबीआई 1935 में बनी और 1949 में उसे नेशनलाइज किया गया. अगेन जो रीजंस मैंने आपको बताए,
उसकी वजह से आरबीआई को तो सबसे पहले नेशनलाइज करने की जरूरत थी क्योंकि उसको एपेक्स बैंक बनाना था। फर्स्ट फेज आरबीआई 1949 में नेशनलाइज हुई, 1969 में 14 बाकी बैंक्स को नेशनलाइज किया गया, 1980 में फर्दर और 6 बैंक्स को नेशनलाइज किया गया। सो देयर वर टोटल 21 बैंक्स अंडर नेशनलाइजेशन, जहां पे आरबीआई में 1949 में नेशनलाइजेशन हुआ, 1969 में एक साथ 14 बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया गया और 1980 में और 6 बैंक्स को नेशनलाइज किया गया। इससे फेज वाइज ही सही, अगर आप देखें यहाँ पे 20 इयर्स का गैप है, यहाँ पे अगर हम देखें तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये 11 साल का गैप है। फेज वाइज ही सही, पर धीरे धीरे वो जो रीजंस या फैक्टर्स मैंने बताए विच वर बिहाइंड नेशनलाइजेशन, वो रीजंस धीरे धीरे हट गई। पैसे का पावर नेशनलाइजेशन के साथ ही गवर्नमेंट के हाथों में चला गया, और जैसा आप जानते हैं इंडिया बाय कॉन्स्टिट्यूशन एक वेलफेयर स्टेट है। सो वेलफेयर स्टेट है तो कोई भी गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसी बनाए उसे वेलफेयर के हिसाब से ही बनाना है फॉर द पीपल। सो उस केस में नेशनलाइजेशन होते ही ये जो बैंकिंग सेक्टर है ये पूरा का पूरा मेजरली तब तक इस फेज तक अगर आप देखें तो ये प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का उदय नहीं हुआ था। ये प्राइवेट सेक्टर बैंक्स मेनली 1991 से चल पड़ी हैं आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ एलपीजी, लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, उसका ये असर हुआ जहाँ से ये 1991 से स्टार्ट हुई हैं। उससे पहले अगर आप देखें तो देवर नहीं के बराबर, आई थिंक नहीं ही थी। सो इन तीन फेजेस के बाद ये जो पूरा बैंकिंग सिस्टम है वो काफ़ी लिबरल हो गया, पैसे गवर्नमेंट के हाथों में रहने लगे, जिसकी वजह से वो बहुत कम इंटरेस्ट रेट्स पर इंडियंस को पैसे देने के लिए केपेबल हो गई। ऑफ कोर्स गवर्नमेंट जब पैसे गवर्नमेंट के पास रहने लगे तो वो ये भी सोच पाई कि उसे कौन कौन से सेक्टर्स में पैसे ना के बराबर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देने हैं, और तब उदय हुआ प्रायोरिटी सेक्टर्स का। आप लोग जो लोग बैंकिंग के लिए पढ़ते हैं या जो ऐसे भी इकोनॉमिक्स में रुचि रखते हैं उन्हें पता होगा बैंकिंग लेंडिंग का एक बहुत बड़ा पार्ट है प्रायोरिटी सेक्टर। इनमें अगर मैं कुछ सेक्टर्स बोलूं तो इनमें कुछ चीज़ें आती हैं जैसे कि एग्रीकल्चर, एडुकेशन, हेल्थ, ये चीज़ें जो हैं ये प्रायोरिटी सेक्टर्स में आती हैं जहाँ पे कंपैरेटिवली कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन्स दिए जाते हैं। पहले हाउसिंग भी इसी में आया करता था, लेकिन अब क्योंकि लोगों के पास मतलब वेल टू डू घर हो गए हैं और ज़्यादातर हमारी पॉपुलेशन सेल्फ रिलायंट हो गई है हाउसिंग के मामले में, इसलिए हाउसिंग को निकाल दिया गया है। सो यस ऑफ कोर्स ये नेशनलाइज्ड बैंक्स की कहानी हुई। सो बेसिकली नेशनलाइजेशन अगर हम देखें ये तीन फेजेस में हुआ है। एक आरबीआई को अगर हम हटा दें तो यहाँ पे 14 बैंक्स हुई नेशनलाइज और यहाँ पे 6 बैंक्स नेशनलाइज हुई, 1969 में 14 एंड 1980 में 6 बैंक्स। सो दैट्स अबाउट नेशनलाइजेशन। रीजनल रूरल बैंक्स नॉट मच, बट एज द नेम सजेस्ट्स रीजनली रूरल एरियाज में ये ऑपरेट करती हैं। अगर हम आज झारखंड की बात करें तो झारखंड ग्रामीण बैंक ऐसा एक बैंक है जो बस उस मोस्टली उस स्टेट में सारे रूरल एरियाज में एक नाम से यूजुअली होती हैं। वैसे ही बिहार में भी बिहार ग्रामीण बैंक है, बिहार में इनफैक्ट क्योंकि बड़ा स्टेट है तो उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक, मध्य बिहार ग्रामीण बैंक वैसा है, यूपी में है, उड़ीसा में है, वेस्ट बंगाल में है। सो उसे रीजनल रूरल बैंक्स है। दे आर अंडर द पब्लिक सेक्टर, मतलब वो गवर्नमेंट बैंक है अगर हम सिंपल शब्दों में कहें, बट वो रीजनली और रूरली उसी जगह पर ऑपरेट करती हैं। अगर आप चाहेंगे कि फॉर एग्जांपल अगर हम झारखंड की बात करें तो जैसे किसी ग्राम को आपने ले लिया, किसी गांव को ले लिया, वहाँ पे ये ऑपरेट कर रहा है, किसी ब्लॉक के अंदर उसका ब्रांच है। बट अगर हम चाहेंगे कि हम मुंबई में जाके किसी गांव में उसको देख लें तो नहीं हो सकता क्योंकि ये रीजनली ऑपरेट कर रही है।
और अगर हम चाहें कि क्योंकि वो झारखंड ग्रामीण बैंक है और रांची में हमें मिल जाए तो इसका हेडक्वार्टर्स तो ज़रूर मिल जाएगा वहाँ पर उसकी फुल फ्लेज्ड ऑपरेशन वहाँ नहीं मिलेगी आपको क्योंकि ये रूरल ऑपरेशन है. सो दैट्स अबाउट RRBs. मूविंग ऑन, कोऑपरेटिव, ये हमारा कमर्शियल बैंक्स का सेक्शन पूरा हो गया. इसमें काफ़ी कुछ मैंने रनिंग में भी बता दिया है, जो आप चाहे तो जैसे मैं हमेशा कहती हूँ साइड में स्क्रिबल करके अपने पॉइंटर्स बना लें, क्योंकि ये आपके PT में जो छोटे छोटे ट्रिक क्वेश्चंस या पॉइंटर क्वेश्चंस आते हैं उसमें दीज में हेल्प यू. कोऑपरेटिव बैंक्स कमर्शियल बैंक्स से थोड़ा अलग इसलिए होती हैं क्योंकि ये कोऑपरेटिव बेसिस पे चलती हैं. अगर हिंदी में हम इनको कहें तो ये है सहकारिता के बेसिस पे चलती है. एज द नेम सजेस्ट, 5 तरह की होती है. प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स जो एकदम बेसिक लेवल पे चलती हैं, मोस्टली ये ब्लॉक्स में मिलेंगी आपको या छोटे रूरल लेवल पर ये ऑपरेट करती है. कोऑपरेटिव लेवल पे अगर आप बहुत सिंपली इसका एक एग्जांपल देखना चाहे तो जो महिला गट होते हैं, महिला स्वयं सहायता समूह वगैरह के जो अकाउंट्स होते हैं वो यूजुअली कोऑपरेटिव, प्राइमरी कोऑपरेटिव के एग्जांपल्स हैं. आपने देखा होगा अगर कभी गांव में ये बहुत कॉमन है. महिला स्वयं सहायता या फिर नॉर्मली स्वयं सहायता समूह भी होते हैं, SHGs, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, उनकी अपनी एक फंड टाइप की होती है जहाँ से लोगों को ज़रूरत पड़ती है. किसी की शादी है, किसी की यहाँ डेथ हो गई है, इमीडिएटली पैसे चाहिए, तो वहाँ पे जिनके पास पैसे नहीं हैं उनको इस फंड में से पैसे वो लोग देते हैं और वो सहकारिता के बेसिस पर है. सो दिस इज कोऑपरेटिव, प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंकिंग का वो एक एग्जाम्पल है. वो ये बहुत छोटे तौर पर मैंने आपको बताया, या ब्लॉक्स में देखेंगे तो थोड़ा बड़ा हो सकता है. यू मे फाइंड अ बिल्डिंग ऑल्सो, एक छोटा सा बिल्डिंग भी आपको मिल जाएगा कोऑपरेटिव बैंक का. डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी ये वर्क करती है एंड ऑफकोर्स स्टेट लेवल पर. कोऑपरेटिव बैंक्स का एक टाइप है लैंड डेवलपमेंट बैंक्स. लैंड डेवलपमेंट बैंक्स एज द नेम सजेस्ट प्योरली लैंड पर ही काम करती हैं. जो खेती हरों की ज़मीन है या अदरवाइज भी ज़मीन है उनके डेवलपमेंट के लिए ये बैंक्स इंटरेस्ट और पे लोन्स देती हैं. अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, आप अगर अर्बन एरियाज़ में आप हैं तो आपने ज़रूर देखा होगा. बहुत कॉमन कुछ नाम अगर मैं बताऊं तो एक है वो जनलक्ष्मी बैंक, ऐसे कुछ एग्जांपल्स हैं. ये सब कोऑपरेटिव बैंक्स हैं यूजुअली. मूविंग ऑन, ये हमारी शेड्यूल्ड बैंक्स की एक पूरी लिस्ट हो गई. इसमें अगर कहीं डाउट्स हो तो आप प्लीज़ कमेंट्स में मेंशन कर दीजिएगा, आई विल ट्राई एंड सॉर्ट द डाउट. मूविंग ऑन, दूसरा पार्ट जो है डेवलपमेंट बैंक्स या फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. यहाँ पे पहला पार्ट है इंडस्ट्रियल बैंक्स. ये डेवलपमेंट बैंक्स या फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एक हेड में मैंने इसलिए रखा है क्योंकि इनकी जो ऑपरेशन है वो लगभग सेम है, तो उसको अलग करके कोई फ़ायदा है नहीं. बेसिकली बहुत सिंपली जैसे मैंने बताया, दोनों का यही सिस्टम है. डिपॉजिट्स ले सकते हैं बट लेंडिंग कंट्रोल्ड है RBI से. वो RBI ने जहाँ बोला है जिन एरियाज में या जिन पर्टिकुलर चीज़ों को उनने नोटिफाई किया है उन्हीं एरियाज में या उन्हीं कंडीशंस में वो लेंडिंग कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते. ये कमर्शियल बैंक्स के मुकाबले उनका बहुत कंट्रोल्ड एक कंडीशन है. कमर्शियल बैंक्स का तो आप जानते ही हैं, जैसे मैंने कहा हम लोन्स में बाद में पढ़ेंगे, उनका बहुत एक वाइड प्लेथोरा है लेंडिंग का. वो ज़रूरत, ऐसी कोई ज़रूरत शायद आज नहीं बची है जिसके लिए आपको लोन अवेलेबल ना हो. किसी न किसी तरह का लोन सूट कर ही जाता है. डेवलपमेंट बैंक्स या फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हर तरह के वैसे लोन नहीं दे सकते. दे हैव अ फिक्स्ड सेट ऑफ लोन्स दैट दे कैन गिव. आई होप दैट इज क्लियर. ऐसे बैंक्स अराउंड 4 तरह की हैं. इंडस्ट्रियल बैंक्स, जैसा कि मैंने कहा, ये जो भी RBI अलाउ करे, तो ये वो बैंक्स हैं जिनको RBI ने अलाउ किया हुआ है कि आप इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए दे सकते हैं. कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, इनिशियली ICICI जब ये सेटअप हुआ था, ये इंडस्ट्रियल क्रेडिट के लिए, इंडस्ट्रियल क्रेडिट इंस्टीट्यूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये इंडस्ट्रियल क्रेडिट के लिए ही फॉर्म हुआ था.
भले ही वो बाद में मूव करके वहाँ पे इंडियन प्राइवेट सेक्टर बैंक में आ गया है. सो दैट्स वन. एक IDFC बैंक है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉरपोरेशन. नेशनलाइज्ड बैंक्स में से एक IDBI बैंक भी है. सो ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक्स के कुछ एग्जांपल्स हैं. एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, RBI ने एक ही बैंक को नोटिफाई किया हुआ है, विच इज़ द एक्सिम बैंक. उसका नाम ही है एक्सिम, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक. दिस इज़ बेसिकली अगेन एक्सपोर्टर्स और इंपोर्टर्स को फाइनेंस करते हैं. अब आप सोच रहे होंगे, मैं ऐसा सोचती थी, मे बी आपका नॉलेज का लेवल का अगर हाई है तो नहीं सोचते होंगे ऐसा, पर मैं ऐसा सोचती थी इनिशियली कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट का मतलब है कपड़े एक्सपोर्ट इंपोर्ट होना, क्योंकि हमने ऐसे ही एक्सपोर्टर्स के बारे में सुना था, कपड़े या फिर टॉयज़, स्पेशली आफ्टर LPG 1991, जैसा कि हम कहते हैं हर दूसरी चीज़ चाइनीज़ मिलती है, तो हमें ऐसे ही लगता था कि इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, कपड़े और खिलौने, यही मेनली इंडिया से एक्सपोर्ट इंपोर्ट होते हैं. बट अगेन सॉफ्टवेयर इंपोर्ट एंड सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट, इन स्पेशली सॉफ्टवेयर का एक्सपोर्ट जो है वो इंडिया का एक बहुत बड़ा बिजनेस एरिया है. इंडिया इज़ अ लीडिंग एक्सपोर्टर ऑफ सॉफ्टवेयर्स इन द वर्ल्ड. सो वो सॉफ्टवेयर्स का जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है वो भी एक्सिम के थ्रू होता है. डायमंड्स दूसरी एक चीज़ है. तो इनकी इनकी बैंकिंग से ये रिश्ता है इनका, कि जब आप जब ये एक्सपोर्ट या इंपोर्ट होती हैं तो या तो शिप के रास्ते होती हैं या फिर फ्लाइट से होती हैं. उस केस में इनका एक्सपोर्ट या इंपोर्ट का एक या तो एयरवे बिल बनता है या वाटरवे बिल बनता है. ये बिल्स जो हैं, इस तरह के बिल्स ये लोग प्रोवाइड करते हैं बैंक को. जो एक्सपोर्टर्स इंपोर्टर्स होते हैं वो बैंक को देते हैं या बैंक के पास वापस जनरेट होती हैं खुद से, और उसको प्रोसेस करके ये अकॉर्डिंगली ये एक्सपोर्ट या इंपोर्ट इनका चलता है. एग्रीकल्चरल बैंक्स, अगर इनकी लेंडिंग जो है फिर यहाँ देखेंगे अलाउड बाय RBI, ये सिर्फ एग्रीकल्चर के फील्ड में ही कर सकते, चाहे वो जो हो, से फॉर फर्टिलाइजर, से फॉर लैंड डेवलपमेंट, से किसी तरह का रिस्टोरेशन करना है लैंड को, एग्रीकल्चरल बैंक्स के अंडर में ये कर सकते हैं. हाउसिंग बैंक्स, अ वेरी बिग एग्जांपल इज NHB, नेशनल हाउसिंग बैंक. एक और बहुत मेजर प्लेयर है इसमें HDFC. HDFC भले अभी फुल कोर्स बैंकिंग में आ गया है, लेकिन व्हेन इट स्टार्टेड, HDFC इज हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन, की स्टार्ट ही हुआ था हाउसिंग लोन देने के हिसाब से. सो आई बिलीव ये पूरा हमारा कवर हो गया है फ्लो चार्ट. अगेन जैसे मैंने कहा, आपको कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट्स पे प्लीज डाल दीजिए, ताकि मैं उनको सॉल्व करके आई कैन जस्ट लेट यू नो. ये बेसिकली आई होप मोर और लेस क्लियर हो गया है. जो जो मैंने बातें बताई हैं उतनी आई बिलीव काफ़ी हैं. इतना तो आप ज़रूर ही आंसर में अपने मेंशन करेंगे. हाफ ऑफ द जॉब जो है ये आपका फ्लो चार्ट बनाते ही ख़त्म हो जाएगा. सो व्हेन यू डू, हम नेक्स्ट क्लास में क्या, इनफैक्ट अभी ही कर लेते हैं, जब हम आंसर, अगर मेन शीट में आपका एक टॉपिक है प्रॉपर स्ट्रक्चर ऑफ बैंकिंग इन इंडिया, तो वहाँ पे अगर अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो आप शुरू में पहले 5 to 6 लाइन्स इंट्रो लिखेंगे, जहाँ पे ऑफकोर्स आप बैंकिंग शब्द की उत्पत्ति, इनिशियली बैंकिंग कैसे हुआ करती थी, वो रनिंग लेक्चर में मैंने जब आपको बताया उसमें से आप 5 to 6 लाइन्स लिखेंगे. उसके बाद आप ये चार्ट ड्रॉ करेंगे. वो चार्ट ड्रॉ करने के बाद आप उसमें से एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे एग्जैक्टली जैसे मैंने एक्सप्लेन किया है. मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मिनिमम तो आप इतना करेंगे ही, इससे ज़्यादा अगर आप कुछ पढ़ते हैं वेल एंड गुड, वेरी नाइस, बट आई स्ट्रांगली बिलीव कि इतना अगर आप कर लेते हैं तो आपके आपको ये सॉलिड याद भी रहेगा. और ये रिस्क नहीं है कि इसमें आप 50% लिखने लायक कुछ है नहीं, या तो आपको ये याद रहेगा या नहीं याद रहेगा, सिंपल.
तो अगर या तो क्वेश्चन बन जाएगा या क्वेश्चन डूब जाएगा टोटली. सो लेट्स बी जस्ट क्लियर अबाउट इट. सो वो एक एक बेहतर पोजीशन है. हाफ एंड हाफ का कोई सवाल ही नहीं है. सो बेसिकली ये इसमें वो चांस नहीं है कि कुछ भूल गए, कुछ याद रहा, पता नहीं क्या लिख कर आए, वो सब नहीं होने वाला है. सो बेसिकली अगर आप ये पूरा लिख देते हैं और एक एक पॉइंट अगर आप जस्ट एक्सप्लेन कर देते हैं, आपका 40 मार्क्स का क्वेश्चन क्लियर हो जा रहा है. सो दैट्स बेसिकली अबाउट इट. एक टॉपिक हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है. आई होप आई विल गेट टू नो योर डाउट्स एंड सजेशंस एंड वी कैन इम्प्रूव. नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे की टॉपिक्स पढ़ेंगे. थैंक यू फॉर योर टाइम.